Hello, my dear students. Let's get started with the second part of chapter number 7, States of Matter. Let's turn to page number 75 of your book and there is a worksheet. Let's try to solve that. सबसे पहले question number 1 है, unscramble the following letters to make meaningful words. यहाँ पे कुछ letters दिए हुए हैं बेटा, alphabets arrange किए गए हैं जो कि meaningful नहीं है. इनको हमें रीअरेंज करना है ताकि एक हमें मीनिंगफुल टर्म मिल जाए. और ये हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी हिंट्स दी हुई हैं. लेट्स सी, सबसे पहले ये जो अल्फाबेट का अरेंजमेंट है इसकी हिंट क्या दी हुई है, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस. यानी कि ये कोई एक ऐसा अल्फाबेट, ऐसा वर्ड बनेगा जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है. तो स्पेस कौन सी चीज़ ऑक्यूपाई करती है, मैटर. तो अगर आप इनको रीअरेंज करेंगे तो इट विल टर्न इंटू अ मीनिंगफुल वर्ड, MATTER, मैटर. नेक्स्ट है, हमें हिंट दी हुई है स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि ये जो सेट ऑफ अल्फाबेट हमें दिया हुआ है ये एक स्टेट ऑफ मैटर है. तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे देन यू विल नो दैट इट इज एक्चुअली लिक्विड, LIQUID, लिक्विड. नंबर 3 इज, यहां पे जो सेट ऑफ अरेंजमेंट दिया हुआ है अल्फाबेट्स का, इसकी हिंट यह है इट हैज डेफिनेट शेप, यानी कि इस पर्टिकुलर चीज की डेफिनेट शेप होती है. तो डेफिनेट शेप कौन से स्टेट ऑफ मैटर की होती है, यू आर राइट, सॉलिड्स. सो आप यहां क्या लिखेंगे, SOLID, सॉलिड. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है. लेट्स रीड द फर्स्ट वन, एयर हैज नो मास, एयर का कोई भी मास नहीं होता है. आपको मैंने उस दिन एक एक्टिविटी बताई थी बलून वाली, यानी कि आप क्या कर रहे थे, एयर को जब बलून के अंदर आप ब्लो कर रहे थे तो बलून फूल जा रहा है. ठीक है, यानी कि कोई एक ऐसी चीज है जो उसके अंदर गई है और अपनी जगह को उसने घेर लिया है बलून के अंदर के एम्प्टी स्पेस को. तो ऐसी चीज जो उसका कोई वेट है और वो बलून हैवी भी हो गया था, यानी कि ऐसी कोई चीज जो एक जगह को ऑक्यूपाई करती है और उसका कोई वेट है, वो उसका मास होगा, ऑब्वियस सी बात है. सो एयर एक ऐसी चीज है, राइट. सो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट कैसा हुआ, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नंबर 2 इज, लिक्विड कांट बी कंप्रेस्ड, आप लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते हो. आपको मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था एरिएटेड ड्रिंक्स का, यानी कि आपके घर में जो आप कोक, पेप्सी, फैंटा ऐसी वाली जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, जब आप उन्हें खोलते हो तो उसमें से गैस बाहर निकलती है. यानी कि क्या है, गैस को तो आप कंप्रेस कर पा रहे हो. आप गैस को कंप्रेस क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि उसमें लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं. लेकिन क्या आप लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हो, बताओ. यस, लिक्विड्स कैन ऑल्सो बी कंप्रेस्ड. इतने ज्यादा कंप्रेस नहीं किए जाते हैं जितनी एक्सटेंट तक आप गैसियस मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन क्योंकि लिक्विड्स में भी स्मॉल इंटरमोलिकुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं तो उनको भी हम कंप्रेस कर सकते हैं. सो लिक्विड्स कांट बी कंप्रेस, लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. नेक्स्ट इज, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस. यस, ऑफ कोर्स, मैटर बाय डेफिनेशन कौन सी चीज होती है, जो किसी जगह को घेर ले. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नंबर 4 इज, गैसेस हैव डेफिनेट वॉल्यूम, गैसेस की एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है. ये सच है या नहीं, नो बेटा, गैसेस डोंट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. ठीक है, क्यों, गैसेस को वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी. गैसेस को अगर आप कंप्रेस कर दोगे तो वो कम जगह में भी आ जाएंगी, और कंप्रेस नहीं करोगे, उस पर प्रेशर अप्लाई नहीं करोगे तो वो ज्यादा जगह को भी घेर लेंगी. तो उनकी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम नहीं होती है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे बेटा कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं और इनको करने के लिए देयर आर सम हिंट्स गिवन इन दिस हिंट बॉक्स. आपको यहां से देख के चूज करना है कि किस फिलअप के लिए कौन सा वर्ड सुटेबल है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद नंबर 1, एयर इज अ डैश बिकॉज इट हैज बोथ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. तो एयर
क्या है डैश में क्या आ सकता है? डैश मतलब एक ऐसी क्वालिटी जिसके पास मास भी है और इट ऑक्यूपाइज स्पेस ऑल्सो. तो ऐसी चीज कौन सी है? दैट मीन्स मैटर. तो आप नंबर वन पे क्या लिख देंगे? मैटर. नंबर टू, डैश डोंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम. ऐसा कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जिसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता? लेट सी व्हाट आर द ऑप्शंस. सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यस. लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यस. एंड किसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता? गैसेस डोंट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. तो नंबर टू पे क्या आ जाएगा? गैसेस. नंबर थ्री, डैश टेक द शेप ऑफ कंटेनर. मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप जब वाटर को जग में डालोगे तो वो जग की शेप ले लेता है, बॉटल में डालोगे तो वो बॉटल की शेप में आ जाता है, और अगर आप उसे ग्लास में पोर करोगे तो वो ग्लास की शेप में आ जाता है. सो दैट मीन्स वाटर इज अ लिक्विड. सो कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जो कि कंटेनर की शेप ले लेता है? लिक्विड. तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. नंबर फोर इज टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन डैश. वैसे तो अब यहाँ पे सिर्फ सॉलिड्स रह गया है, लेकिन अगर आप सॉलिड्स का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट याद करें बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी टाइटली वेरी क्लोजली पैक्ड. ठीक है, सो उसके हिसाब से किस मॉलिक्यूल के जो किस पर्टिकुलर मैटर के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, किस में? दैट आर सॉलिड. सो नंबर फोर पे क्या आ जाएगा? सॉलिड्स. नाउ लेट्स सी दिस पिक्चर इन क्वेश्चन नंबर फोर. और आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा बेटा कि कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं एंड दे हैव लार्ज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस. देखो कितने ज्यादा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. तो ऐसे लार्ज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस और लूजली प्रेजेंट लूजली अरेंज्ड मॉलिक्यूल्स कौन से स्टेट ऑफ मैटर में होते हैं? सॉलिड्स में, लिक्विड्स में या गैसेस में? ऑफ कोर्स इन द गैसेस. सो यू विल टेक इन द बॉक्स इन फ्रंट ऑफ गैसेस. अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फाइव. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे गैस सिलेंडर है जो आपके घरों में डोमेस्टिक गैस यूज होती है, सिलेंडर्स यूज होते हैं, वो बनी हुई है. इसके ऊपर थ्री अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, एलपीजी. एलपीजी की सबसे पहले तो बेटा आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. सो एल स्टैंड्स फॉर लिक्विड, पी स्टैंड्स फॉर पेट्रोलियम, एंड जी स्टैंड्स फॉर गैस. यानी कि इसको एल को लिक्विड के साथ साथ एक वर्ड यूज होता है, लिक्विफाइड. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो एलपीजी सिलेंडर्स को क्या कहते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं. नाउ सबसे पहला हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन सिलेंडर. यानी कि जो इस सिलेंडर में जो चीज भरी हुई है उसका स्टेट कैसा है. तो अगर आपके घर में सिलेंडर है तो आप किसी बड़े की हेल्प से उसको हिलाने की कोशिश कर सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है. तो यानी कि उसके अंदर जो सब्सटेंस है उसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है? सॉलिड है या लिक्विड? लिक्विड. सो यू विल टेक ऑन लिक्विड. नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्चुअल स्टेट ऑफ सब्सटेंस. अब ये जो सब्सटेंस इसमें भरा हुआ है इसकी एक्चुअल स्टेट क्या है? यानी कि एक्चुअल स्टेट कब आपको पता करती है? जब आप उसको यूज करते हो. ठीक है, यानी कि जब आप गैस को या गैस नॉब को ऑन करते हो तो क्या होता है? उस केस में गैस बाहर निकलती है इन द गैसियस फॉर्म. सो कैसी स्टेट होगी? सॉलिड या गैस? ऑफकोर्स गैस. नंबर थ्री, हाउ इज द चेंज ऑब्जर्व. अब ये लिक्विड से गैस में चेंज कैसे हो रहा है? बाय कंप्रेशन. अब यहाँ पे बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं ध्यान से आपको मेंशन कर रही हूँ और अपने इस बात को बहुत केयरफुली सुनना भी है और फॉलो भी करना है. जो भी मैंने आपको यहाँ पे चीज बताई है आपने सिर्फ और सिर्फ अपने किसी गार्जियन के या अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में ऑब्जर्व करनी है.
आप खुद से किचन में जाके ना तो गैस सिलेंडर को टच करेंगे और ना ही गैस की नॉब को खोलने की कोशिश भी करेंगे। सो आई होप यू विल फॉलो दिस सेफ्टी रूल। नाउ यू वॉट यू विल डू, मैंने यहाँ पे जो वर्कशीट दी है, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको अपनी बुक में भी करेंगे और आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में भी विद द डेट एंड डे यू विल कंप्लीट इट। लेट्स टर्न टू पेज नंबर 76 और अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। द टॉपिक का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर जो है, हमने ये तो पढ़ लिया कौन कौन से स्टेट्स में होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। अब फर्दर क्लासिफिकेशन इन मैटर का कैसे हो सकता है, वो मैटर का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस है कि उसमें किस टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो मैटर होता है, हर एक मैटर मॉलिक्यूल से बना होता है और वो मॉलिक्यूल किस चीज से बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। अब अगर तो ये एटम्स जो है, ठीक है, ये एटम्स जो हैं ये सारे के सारे सेम टाइप के हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है, तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें वन टाइप का एटम ही प्रेजेंट होता है उसको आप क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। सो द सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम आर नोन एज एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस में सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन गैस क्या है, इट इज क्लासिफाइड अंडर एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज, अगर किसी भी सब्सटेंस में एक से ज्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है, और वो आपस में कंबाइन भी हुए हुए हैं, ठीक है, यानी कि वो आपस में कंबाइन करके कोई एक और टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को आप क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स। सो लेट्स रीड, सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स आर एंड दैट आर कंबाइंड टुगेदर आर कॉल्ड कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल वॉटर, वॉटर को आप क्या लिखते हो, वॉटर को आप लिखते हो H2O, यानी कि इसमें टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है और वन मॉलिक्यूल क्या है, ऑक्सीजन का है, यानी कि इसमें टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और वन एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो और ये आपस में जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो वो प्रोडक्ट कौन सा है, वाटर, तो वाटर क्या हुआ, इट इज अ कंपाउंड। नाउ द थर्ड टाइप इज मिक्सचर्स। मिक्सचर में भी क्या होता है बेटा, मिक्सचर में भी एक से ज्यादा एटम होते हैं बट वो आपस में कंबाइन नहीं होते हैं। सो अ सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स बट आर नॉट कंबाइंड टुगेदर, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, यू कॉल देम एज मिक्सचर्स। जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर आप एक जार में या एक ग्लास में पानी लोगे और उसमें सॉल्ट को डाल के उसे आपस में मिक्स कर दोगे तो क्या होगा, सॉल्ट पानी में डिजोल्व हो जाता है, लेकिन सॉल्ट की अपनी एग्जिस्टेंस भी, अपना टेस्ट रहता है, वो पानी नमक वाला हो जाएगा और पानी भी अलग रहता है, यानी कि ये दोनों ही चीजें आपस में मिक्स हो गई हैं लेकिन अपनी अपनी आइडेंटिटी का अलग अलग रखी है, आपस में कंबाइन करके कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाया है, तो ऐसे पर्टिकुलर सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत लंबा सा नेम है लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है बेटा। हमेशा जो किसी भी चीज का टाइटल होता है उसको ध्यान से पढ़ते हैं, उस टाइटल में ही उसका मीनिंग छुपा होता है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है इंटर कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, एक चीज को दूसरी चीज में चेंज करना, ठीक है, इंटर का मतलब है यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपस में ही एक दूसरे में चेंज हो जा रही हैं, ठीक है। अब वो चीजें क्या हैं, दे आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ इन दिस चैप्टर, और यहाँ पे उन चीजों में से क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर कौन से हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। अब ये इनका एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, ठीक है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में बन जाता है और लिक्विड से दोबारा से सॉलिड बन जाता है, इन द सेम वे लिक्विड कैन बी टर्न्ड इनटू गैस
एंड गैस कैन अगेन बी टर्न इन टू लिक्विड. ठीक है, और इन द सेम वे गैस से सॉलिड भी बन जाता है और सॉलिड से गैस भी बन जाता है. तो ये जो आपस में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीजें चेंज हो रही हैं, इनको क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. अब ये सारा प्रोसेस हो कैसे रहा है? अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर को अलग फॉर्म में चेंज होने के लिए डिफरेंट प्रोसेस लगते हैं. वो प्रोसेस फ्रीजिंग हो सकता है, वो प्रोसेस बॉइलिंग हो सकता है, वो प्रोसेस मेल्टिंग हो सकता है, वो प्रोसेस सब्लिमेशन हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब ये वाला प्रोसेस सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर इंटरचेंज कैसे होते हैं. अगर आपको याद हो बेटा, तो हमने फर्स्ट वीडियो में वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड वी टुक द एग्जाम्पल ऑफ वाटर. हमने वाटर का एग्जाम्पल दिया था कि वाटर जो है वो तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल होता है. ठीक है, अब इसी इंटर कन्वर्जन को पढ़ने के लिए हम दोबारा से वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटर. अब आप ये देखो, जब आपने वाटर को लिया, वाटर को आपने जब फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए, फ्रीजिंग करने के लिए रख दिया, तो वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड आइस क्यूब्स में आ गया. अब इसी वाटर को अगर आप दोबारा से बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दोगे तो क्या हो जाएगी? मेल्टिंग हो जाएगी, ये मेल्ट करने लग जाएगा. ठीक है, यानी कि जब इसको बाहर की हीट लगी तो ये सॉलिड फॉर्म दोबारा से मेल्ट होके किस में आ गया? लिक्विड स्टेट में आ गया. यानी कि फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, जो लिक्विड फॉर्म है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही थी, और अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, सॉलिड फॉर्म क्या हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है. एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इन द सेम वे जब आप वाटर को ज्यादा हीट प्रोवाइड करोगे तो वो क्या होगी, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, भाप बन के उड़ने लग जाएगा. तो अब भाप क्या है, वॉट इज द वॉटर वेपर, इट इज द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ये हो रहा है कि आपने वाटर को बॉयल किया, उसमें बहुत सारी हीट डाली, बॉयलिंग की वजह से इट स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर, यानी कि गैसियस स्टेट ऑफ मैटर. अब क्या होगा, अब जब आप कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपके घर में पतीले में या फ्राई पैन में पानी उबलने रखते हैं, तो अगर आप उसको ऊपर से प्लेट से ढक दोगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, उस प्लेट में पानी आ जाता है नीचे की तरफ, जिस तरफ पे उस पर हीट पड़ रही होती है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो वाटर वेपर उड़ रहा था और हवा में गायब हो रहा था, आपने उसको क्या किया, ऊपर से कवर कर दिया. जब आपने ऊपर से कवर कर दिया तो वो क्या हुआ, वो वाटर वेपर दोबारा से उस ठंडी प्लेट से टकराया और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. यानी कि जब अगर आप इसको यहां से कवर कर दोगे किसी प्लेट से, ठीक है, तो ये वाटर वेपर्स हवा में गायब नहीं हो पाएंगे. ठीक है, एंड दे विल स्टार्ट कलेक्टिंग ऑन द लोअर साइड ऑफ दिस प्लेट. ठीक है, और ये दोबारा से लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे. और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कंडेंसेशन, CONDENSATION. ठीक है, सो अगेन क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट से बॉइलिंग की वजह से गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा था वाटर, और अब दोबारा गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, कंडेंसेशन की वजह से. सो अगेन व्हाट इज हैपनिंग, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. सो आई होप आपको ये चीज समझ आई हो बेटा. और हमारे नेचर में भी क्या होता है बेटा, जो हमारा एक आई विल टेल यू द एक्टिविटी की देखो, नेचुरल डेली लाइफ में क्या होता है, देखो, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग. यही मैंने आपको यहाँ बताया है, जब सॉलिड से आप हीट अप्लाई करते हो या उसके ऊपर हीट बढ़ती है तो वो दोबारा से लिक्विड में चला जाता है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू अ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग.
जब इस लिक्विड को आप बहुत ज्यादा फ्रीजर में या ठंडी जगह पे रखते हो, ठीक है, तो इट विल स्टार्ट सॉलिडिफाइंग, ये सॉलिड बनना शुरू होता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। कंडेंसेशन भी मैंने आपको बताया है क्या होता है, ठीक है। एक नया वर्ड है बेटा, इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन क्या है, दिस वन, कि क्या हो रहा है यहां पे, क्या हो रहा था अभी, तो हमने इसमें मैंने आपको बताया कि आपने इसको प्लेट से कवर कर दिया, लेकिन अगर आपने इसको प्लेट से कवर नहीं किया होता तो क्या होता, ये वाटर वेपर्स जो हैं ये हवा में गायब हो रहे होते, यानी कि लिक्विड फॉर्म वेपर्स में कन्वर्ट होके, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होके हवा में गायब हो रही है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, यानी कि क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इंटू वेपर इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। क्या कहते हैं बेटा इसे, इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इंटू अवर वाटर साइकिल। जो हमारी क्या होता है वाटर साइकिल, क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट में जो वाटर का सर्कल चलता है, यानी कि वाटर कहाँ पे कलेक्टेड है, वाटर बॉडीज में। सन क्या कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है। अब सन की हीट की वजह से क्या होता है, वाटर बॉडीज के सरफेस पे जो पानी होता है वो क्या करता है, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होके इवेपोरेट होना शुरू होता है, ठीक है। यहाँ तो इवेपोरेशन हो गया, यानी कि लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट पे चेंज हो रहा है। अब यही इवेपोरेटेड वाटर वेपर्स क्या करते हैं, ऊपर जाके क्लाउड्स पे, ठीक है, स्टोर होने शुरू हो जाते हैं ऊपर। क्योंकि क्यों, क्योंकि ऊपर फिर से टेम्परेचर में ड्रिप आ जाता है, टेम्परेचर डाउन होने लग जाता है, वहां पे ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इकट्ठे होते रहते हैं, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो दोबारा से क्या हो जाती है, रेन हो जाती है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, एक बार वाटर लिक्विड स्टेट से गैस में कन्वर्ट हुआ, गैस से फिर से लिक्विड में चेंज हुआ और वो वापस से अर्थ पे आ गया, ठीक है। तो देखो नेचर में भी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। ये एक बेटा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है बेटा, इस प्रोसेस में सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सॉलिड स्टेट से वो सीधा गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। बीच में लिक्विड वाली स्टेट नहीं आ रही है या स्किप हो जा रही, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आम तौर पे आपके घरों में होता है बेटा, वो क्या है, इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक यानी कि जो अगरबत्ती होती है आपके घरों में, आप जब अगरबत्ती को देखते हो तो वो सॉलिड होती है, यानी कि आप उसको इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन जब आप उसको जलाते हो तो क्या होता है, उसमें से धुआं निकलता है, तो क्या हो रहा है, सॉलिड इज इमीडिएटली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म। ऐसे ही आपके घरों में बेटा जैसे नेप्थलीन बॉल्स हैं, नेप्थलीन यानी कि फिनाइल की गोलियां होती हैं वाइट वाइट कलर की, जो अक्सर हम गर्म कपड़ों में, वुलन क्लोथ्स में रख देते हैं, सिंक्स में रख देते हैं ताकि वहां से स्मेल ना आए, ठीक है, यहाँ पे कहीं मतलब कि चीजों को जब स्टोर करते हैं उनके साथ भी रख देते हैं, ताकि उनमें उसकी जो स्मेल होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वहां पे किसी भी टाइप के बग्स नहीं आ पाते, ठीक है। सो वो भी एक एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। आप देखोगे कि अगर आपके घरों में मम्मी से पूछना कि उन्होंने फिनाइल की कोई बड़ी सी गोली रखी होगी, कुछ 6-7 महीने बाद जब, या कुछ दिनों बाद जब वो उसे खोलेंगी दोबारा से, तो वो जो बड़ी सी गोली होती है वो अपने आप ही छोटी हो जाती है। अब ना तो उस बड़ी सी जो फिनाइल की बॉल थी उसको किसी ने यूज किया, लेकिन फिर भी वो रिड्यूस हो रही है साइज में। वो रिड्यूस क्यों हो रही है बेटा, दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। यही चीज आपकी एक्टिविटी नंबर 1 में समझाई गई है। सो व्हेन यू विल रीड, अब जब आप इसे रीड करोगे तो आपको ये चीज मेरी समझ भी आ जाएगी बेटा। नेक्स्ट इज कैम्फर। कैम्फर का मतलब है जो घर में धूप बत्ती के साथ आप कपूर यूज करते हो, जिसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, वाइट कलर का होता है बेटा ये, ठीक है। और इसका भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, जब आप इसको सॉलिड को आप आग लगाते हो, इसको मैच स्टिक से बर्न करते हो, ठीक है, तो इसके फ्यूम्स उठने लग जाते हैं, यानी कि सॉलिड है और एकदम से क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटू गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो इसको भी क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है, एक और इम्पॉर्टेंट टिप है कि जो आइसक्रीम वेंडर्स होते हैं, जो आइसक्रीम की ठेलियां लगाते हैं ना, वो देखो कितनी धूप में, गर्मियों में कितनी धूप में घूमते रहते हैं,
और उनकी जो आइसक्रीम की जो ठेली होती है वो भी ज्यादातर स्टील की या आयरन की बनी होती है। अब आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि आयरन को जब आप धूप में भी रखते हो सन में तो वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, जो आइसक्रीम वालों की आइसक्रीम पिघलती नहीं है। वो क्यों नहीं पिघलती बेटा? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अपनी आइसक्रीम के ऊपर दे स्प्रिंकल आइस, ठीक है? और जब ये स्प्रिंकल जो आइस है उसके ऊपर क्या करते हैं, सॉरी, दे स्प्रिंकल सॉल्ट, ठीक है? अब सॉल्ट जब आइस को कवर कर लेता है तो वो हीट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है इस वजह से। तो इस वजह से क्या होता है, वो जो उसके अंदर आइसक्रीम स्टोर्ड होती है वो इजीली मेल्ट नहीं होती है, बिकॉज जो आइसक्रीम सेलर्स हैं वो आइसक्रीम के ऊपर आइस और सॉल्ट का मिक्सचर डाल देते हैं, ठीक है? सो आई होप यू एंजॉयड लर्निंग दिस चैप्टर बेटा, और आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे। आपको जो वर्कशीट बेटा मैंने कराई है पेज नंबर 75 में, यू विल डू इट इन योर बुक एंड फेयर नोटबुक ऑल्सो, ठीक है? एंड इन द नेक्स्ट सेशन हम क्या करेंगे, हम आपकी वर्कशीट नंबर 2 करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे बेटा। टिल देन कीप ऑन रिवाइजिंग योर वर्क। अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन लीव योर नेम, क्लास एंड सेक्शन इन द कॉमेंट बॉक्स अंडर द यूट्यूब लिंक। थैंक यू, हैव अ गुड बाय।